बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है चावल। कल हमने 6 व्लॉग इस पर दिए कि चावल क्या है, कितनी किस्म का होता है, उसके ऊपर जो GI टैग है वो कैसे लगते हैं, कौन लगाते हैं। तो आज हमारा हेडिंग है पाकिस्तान में बासमती चावल कर्नल बासमती कैसे बना, ये हमारा हेडिंग है आज का। बासमती चावल कर्नल बासमती कैसे बना, ये हेडिंग है आज का। और आज का व्लॉग नंबर है 7। नाज़रीन, पाकिस्तान में बासमती चावल कर्नल बासमती कैसे बना, इसकी स्टोरी। बासमती चावल पर इंडिया का दावा, पाकिस्तानी बरामदात के लिए कितना बड़ा खतरा। इस सूरत हाल में पहले सन 2020 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। इसके बाद 27 जनवरी 2021 में बासमती को GI टैग जारी किया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के GI टैग के लिए यूरोपीय यूनियन को दरख्वास्त दी। राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान REAP के मुताबिक इसकी दरख्वास्त 5 मार्च सन 2021 को कबूल की गई। यूरोपीय यूनियन की हदायत के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान को ये मसला 6 मई तक आपस में हल करना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने 3 माह की मजीद मोहलत तलब की। मार्च सन 2021 में इंडिया के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में तहरीरी जवाब में कहा कि इंडिया बासमती के लिए 19 मुल्कों में GI सर्टिफिकेट्स हासिल कर चुका है। इनके जवाब के मुताबिक इंडियन बासमती को बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और कीनिया में GI टैग और लोगो मिल चुके हैं। नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग यानी 7 नंबर व्लॉग में हम बासमती, जिस पर दोनों मुल्क लड़ रहे हैं, आया कहां से, इसकी स्टोरी आपके सामने पेश करेंगे। ये व्लॉग नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।